हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक नया वीडियो लाए हैं एमएससी एंट्रेंस की तैयारी के लिए, एमएससी बॉटनी एंट्रेंस की। अगर आप लोग एमएससी बॉटनी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीपेट हो गया, सीयूसीएट, बीएचयू या फिर अदर कोई टॉप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। या फिर इसके साथ साथ अगर आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए, तो आप लोगों को इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपके लिए मददगार होगा, जो कि प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो मैं एक चीज बता दूं, हमारे चैनल पे आप लोगों को कई सारे एमएससी या फिर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो को चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आई बटन से भी वो सारे वीडियो को चेक कर सकते हो। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और तो आज हम शुरू कर रहे हैं, आज का जो क्वेश्चन पेपर लिए हैं वो बीएचयू का, जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2015 में हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर को आज पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यानी हर एक क्वेश्चन का हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्यों उसका आंसर, कौन सा प्रोबेबल आंसर क्यों हुआ, वो सबको आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका मेंटर विनोद परेड़ा। पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। पूछा गया है द सिस्टोकार्प इन बाटरकोस फॉर्मम इज। बाटरकोस फॉर्मम में सिस्टोकार्प क्या कैसा होता है, मतलब डिप्लोइड होता है, हैप्लोइड होता है, ट्रिप्लोइड होता है, पॉलीप्लोइड, यानी कि प्लोइडी नेचर पूछा है सिस्टोकार्प का। तो सिस्टोकार्प जो होता है बाटरकोस फॉर्मम में वो होता है एन, यानी कि हैप्लोइड होता है। ठीक है, अब सिस्टोकार्प से कार्पोस्पोर, कार्पोस्पोर से हमारा बनेगा, कार्पोस्पोर से जो वेनल स्टेज होता है बाटरकोस फॉर्मम का, उसके कहते हैं हम कांट्रांसिया, कांट्रांसिया स्टेज कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकता है कि कांट्रांसिया स्टेज कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है बाटरकोस फॉर्मम के फॉर्मम में। लेकिन अभी के लिए हमारा आंसर क्या होगा, सिस्टोकार्प होगा हमारा हैप्लोइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लाजेला आर जनरली एब्सेंट इन। फ्लाजेला किस ग्रुप में एब्सेंट है, रोडोफाइटा एंड सियानोफाइटा, कारोफाइटा एंड रोडोफाइटा, क्राइसोफाइटा एंड रोडोफाइटा, कारोफाइटा एंड क्राइसोफाइटा। तो फ्लाजेला हमारा किस ग्रुप में, किस दो ग्रुप में एब्सेंट है। देखिए, हमारा जो फ्लाजेला होते हैं कम्प्लीटली नॉन मोटाइल हमें कहाँ पे मिल जाएंगे, वो होंगे रोडोफाइटा एंड सियानोफाइटा, यानी कि रोडोफाइसी एंड सियानोफाइसी के कोई भी मेंबर में आप लोगों को फ्लाजेला देखने को ही नहीं मिलेगा, कोई भी स्टेज में, कोई भी मेंबर में, रिप्रोडक्टिव स्टेज में आप लोगों को नो फ्लाजेला, मतलब फ्लाजेला होते ही नहीं उनके पास, रोडोफाइसी और सियानोफाइसी। ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे मेंबर में, कारोफाइटा, ये सब में आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में फ्लाजेला देखने को मिल जाएगा, लेकिन रोडोफाइसी और सियानोफाइसी में बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, उनके रिप्रोडक्टिव बॉडीज में, जैसे कि हमें मालूम है जूसपोर वगैरह में हमारा फ्लाजेला वगैरह होते हैं, लेकिन इनमें नहीं पाया जाता। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सेप्टेड माइसेलम, यानी कि माइसेलम इस तरह से होता है ना, सेप्टेड क्या होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये जो इसको कहते हैं सेप्टेड माइसेलम। लेकिन ये पूछा अ सेप्टेड, यानी कि माइसेलम हो गए ही नहीं और न्यूक्लियस इसी तरह से सस्पेंडेड रहेंगे, फ्रीली सस्पेंडेड रहेंगे। इसको तो हम सिनोसाइटिक कहते हैं ना, ये वाला चीज को हम सिनोसाइटिक कहते हैं, जहां पे सेप्टेशन नहीं होता, सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। तो मान लीजिए अ सेप्टेड माइसेलम कहाँ पे पाया जाएगा, एस्परजिलस में, एगारिकस में, पक्सिनिया में या फिर अल्बुगो में। तो देखिए, 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों हमारे हायर फंगल ग्रुप हैं, यानी कि एस्परजिलस, एगारिकस और पक्सिनिया हायर फंगल ग्रुप है, जिनमें आपको सेप्टा देखने को इजीली मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्बुगो एक लोता है जो कि लोअर फंगस में आता है, और ये लोअर फंगस यानी ऊमाइसिटिस में ही आता है, ऊमाइसिटिस के क्लास में आता है, और इसमें ये खुद अंडर आता है फाइकोमाइसिटिस के, फाइकोमाइसिटिस के अंडर में आता है, माइसिटिस के अंडर में आता है, जिसमें आप लोगों को सेप्टा देखने को ही नहीं मिलता, नो सेप्टा बिल्कुल भी सेप्टेशन नहीं मिलता, सिनोसाइटिक हैबिटेट कंडीशन देखने को मिलता है। तो मैं बता दूं, सो फिर से रिपीट करता हूं, अल्बुगो में आप लोगों को किसी भी प्रकार का सेप्टेट, यानी कि इस तरह का सेप्टेशन नहीं देखने को मिलेगा, और ये बिलोंग करता है ऊमाइसिटिस क्लास को, जो कि फाइकोमाइसिटिस का ही एक हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है सिन जूसपोर ऑफ भावकेरिया आर, यूनिन्यूक्लिएट बाईफ्लैजिलेट, बाईन्यूक्लिएट टेट्राफ्लैजिलेट, मल्टीन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजिलेट, मल्टीन्यूक्लिएट अफ्लैजिलेट। तो देखिए, पूछा है कि वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी एक न्यूक्लियस होता है और दो फ्लैजिलेट होता है, या फिर दो न्यूक्लियस और चार फ्लैजिलेट होता है, या फिर बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे फ्लैजिलेट होता है, फ्लैजिला होता है, या फिर बहुत सारे न्यूक्लियस होता है और कुछ भी फ्लैजिला नहीं होता। तो मैं बता दूं, सिनजूस्पोर जो होता है भावकेरिया का, उसका जो दूसरा नाम है उसको सिनोजूस्पोर भी कहते हैं, ये नाम भी आप लोग याद रखेगा, सिनोजूस्पोर भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है ना, जो न्यूक्लियस होते हैं ना, थालस में न्यूक्लियस होते हैं, थालस का बोल रहा हूँ, भावकेरिया के थालस में न्यूक्लियस होते हैं,
सेंटर में, सेंटर रीजन में। लेकिन यहाँ पे जब ये जूसपोर बनाते हैं, सीन जूसपोर, हर एक न्यूक्लियस क्या करते हैं, इस तरह से आप लोगों को इजीली दिख रहा है ना, इस तरह से पेरिफेरल रीजन में अरेंज हो जाते हैं सर्कुलर मैनर में, और एक एक न्यूक्लियस से दो दो फ्लाजिला इस तरह से निकलते हैं, इस तरह से दो दो फ्लाजिला इस कंडीशन में निकलते हैं इस तरह से। तो आप लोगों को मैं बता दूं, न्यूक्लियस में से दो दो फ्लाजेला निकलते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको किस तरह दिख रहा है, ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि बहुत सारा न्यूक्लियस है और बहुत सारा फ्लाजेला है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, मल्टी न्यूक्लियट मल्टी फ्लाजेलेट। देखिए आप खुद से देखिए, ओवरऑल हमको क्या दिख रहा है, बहुत सारे फ्लाजेला और बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो ये होगा सिनजूसपोर का कंडीशन, जहाँ पे फ्लाजेला कंडीशन इस तरह पाया जाता है, और इसका दूसरा नाम है सिनोजूसपोर, ये भी याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड इज अल्टरनेरिया एस्परजिलस पेनिसिलियम राइजोपस, इनमें से कौन सा स्पीसीज को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। बहुत ईजी सा है, हमारे जो ब्रेड मोल्ड किसे कहा जाता है, राइजोपस को। ये ब्रेड ब्रेड में उगते हैं, ब्रेड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी कि अगर आप चाहो एक ब्रेड को फेंक दीजिए बाहर में, तो एक दो दिन तीन दिन चार दिन पाँच दिन आप देखिएगा, बहुत सारे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और उसी वही होता है हमारा राइजोस्पोर्स का स्पीसीज। बाकी पेनिसिलियम को तो हम ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं, आप लोग जानते होंगे ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं, ब्लू ग्रीन मोल्ड जहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था। एस्परजिलस को कहा जाता है लैबोरेटरी वीड्स कहा जाता है, ठीक है। ये क्या कहता है ना, ज़्यादातर जो लैबोरेटरी के हमारे जो माइक्रोस्कोप लेंस वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ये फंगस ग्रो हो जाता है और मतलब नष्ट कर देता है। बाकी अल्टरनेरिया तो हमारा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है, जानते होंगे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज करता है। तो ये सारे कुछ थे और यहाँ पे, लेकिन हमारा आंसर होगा राइजोपस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेसल आर फाउंड, वेसल इनमें से कहाँ पे पाए जाते हैं, एफेड्रा एडियंटम साइकस लाइकोपोडियम। देखिए एडियंटम और लाइकोपोडियम ये तो हमारे हो गए टेरिडोफाइटा के ग्रुप, टेरिडोफाइट में हमें वेसल पाया ही नहीं जाता, हम जानते हैं टेरिडोफाइट में नहीं पाया जाता। बचा हमारे पास दो जिम्नोस्पोर, बचा जो दो स्पीसीज वो होंगे हमारे जिम्नोस्पोर, एक हुआ हमारा एफेड्रा, दूसरा हुआ साइकस। तो साइकस तो एक लोअर जिम्नोस्पोर में, और एफेड्रा एक हायर जिम्नोस्पोर में, तो हायर जिम्नोस्पोर में हमारा वेसल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा एफेड्रा। इसके बाद भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूँगा, तीन के तीन आप लोगों को याद रखना होगा, एक होगा एफेड्रा, तीन स्पीसीज का नाम बता रहा हूँ, दूसरा है हमारा जिंको, सॉरी जिंको नहीं नेटम, और तीसरा है हमारा वेलुस्टिया, वेलुस्टिया ठीक है वेलुस्टिया। ये तीनों के तीनों स्पीसीज में आप लोगों को वेसल मिल जाएंगे। अब सवाल है वेसल क्यों हमें याद रखना है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल होता ही नहीं, तो जिम्नोस्पर्म के यही जो तीन स्पीसीज मैंने दिया था उसको याद रखिएगा, इनमें ही केवल वेसल पाए जाते हैं, जो कि एक एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है, नहीं तो बाकी सारे जिम्नोस्पर्म में ट्रैकेट वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलिप्ट्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट इज, मॉस के स्पोरोफाइट का कैलिप्ट्रा जो होता है वो क्या है, पॉलीप्लॉइडी ट्रिप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड, मतलब यहाँ पे भी कैलिप्ट्रा का प्लॉइडी नेचर पूछा है, पॉलीप्लॉइड तो नहीं होते, ट्रिप्लोइड भी नहीं होते, डिप्लोइड भी नहीं होता, होते हैं हैप्लोइड। आप लोगों को याद होगा कैलिप्ट्रा डेवलप होता है भेंटर वाल से, याद रखिए ये चीज़ को। ये भी एक क्वेश्चन पूछा है कि भेंटर वाल्स, कैलिप्ट्रा का ओरिजिन कहाँ से होता है, वो भेंटर वाल से होता है, और भेंटर वाल एक अगर गैमेटोफाइट का हिस्सा है तो गैमेटोफाइट होता है हैप्लोइड एन, तो ये भी हो जाएगा हमारा हैप्लोइड। याद रखिएगा गैमेटोफाइट आर्किगोनियम, आर्किगोनियम का भेंटर वाल से हमारा कैलिप्ट्रा हो गया हमारा हैप्लोइड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीफ्लोएक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन, एम्फीफ्लोएक साइफोनोस्टील यानी अगर यहाँ पे जाइलम है उसको घेरे हुआ दोनों तरफ से, हमारा दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या होगा एम्फीफ्लोएक ना, ये फ्लोएम घेरा हुआ रहेगा, साइफोनोस्टील यहाँ पे हमारा बीच में भाग ये रहेगा, साइफोनोस्टील में बना दूँ इस तरह का रहेगा, बीच में पीथ रहेगा, वेल डिफाइंड पीथ रहेगा, क्योंकि साइफोनोस्टील में पीथ पाया जाता है, और ये रहा हमारा जाइलम और उसको कवर किया रहेगा फ्लोएम, इसको कहते हैं एम्फीफ्लोएक साइफोनोस्टील, और इसके अंदर भी और एक फ्लोएम होगा, ठीक है। दोनों मतलब एक बाहर में होगा जाइलम के, एक इस तरह से मान लीजिए ये रहा पीथ ये रहा जाइलम, तो एक अंदर की ओर रहेगा और एक बाहर की ओर रहेगा हमारा फ्लोएम, तो इसको कहते हैं एम्फीफ्लोएक, एम्फी यानी दोनों तरफ, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन कहाँ पे पाया जाता है, लाइकोपोडियम मार्सिलिया सिलाजिनल इकोसिस्टम, ये पाया जाता है हमारा सिर्फ और सिर्फ मार्सिलिया में, ठीक है। मार्सिलिया में हमें एम्फीफ्लोएक साइफोनोस्टीलिक कंडीशन पाया जाता है, बाकी हमारा लाइकोपोडियम में याद रखिए ये भी प्रोटोस्टीलिक कंडीशन पाया जाता है, साथ में मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाया जाता है हमारा,
मैं लिख देना प्रोटोस्टिलिक कंडीशन। हाँ, मिक्स्ड प्रोटोस्टिल पाया जाता है, प्लेक्टोस्टिल पाया जाता है, एक्टिनोस्टिल पाया जाता है, सभी के सभी ग्रुप लाइकोपोडियम में पाया जाता है प्रोटोस्टिल के। और हमारा मार्सिलियम में अभी हमने कहा एम्फीफ्लोइड साइफनोस्टिल, सीला जिनेला में भी प्रोटोस्टिल पाया जाता है, और इक्यूसिस्टम में पाया जाता है एक्टोफ्लोइक, याद रखिएगा एक्टोफ्लोइक, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ एक्टोफ्लोइक, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल, याद रखिए साइफोनोस्टिल, साइफोनोस्टिल। यानी कि जो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल था, जो जाइलम है उसके दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्टोफ्लोइक में सिर्फ और सिर्फ बाहर की ओर फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे और बीच में पीथ रहेगा, इसको कहेंगे एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल। और ये कैरेक्टरिस्टिक है इक्विसिस्टम का। तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ मैसिलिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लैंप कनेक्शन आर फाउंड इन, क्लैंप कनेक्शन कहाँ पे पाया जाता है, सियानोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई। क्लैंप कनेक्शन हमारा पाया जाता है फंगस में, याद रखिएगा फंगस में क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है, ताकि डाई कैरियोटाइजेशन को मेंटेन करके रखा जाए, डाई कैरियोटाइजेशन इसको मेंटेन किया जा सके। आप लोगों ने देखा होगा ना, इस तरह का एक एक सेल में आपको दो स्ट्रैंड के न्यूक्लियस देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, प्लस या फिर माइनस स्ट्रैंड के होते हैं। तो इस कंडीशन को मेंटेन करके रखने के लिए क्लैंप कनेक्शन का जरूरत होता है, और ये पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटिस में, ये भी याद रखिएगा बेसिडियोमाइसिटिस में ये पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर में पाया जाता है। ठीक है, और बाकी रहा और एक चीज़ है क्लम्प फॉर्मेशन, इसके साथ कन्फ्यूज मत होइएगा, क्लम्प फॉर्मेशन ये पाया जाता है आल्गी में, क्लम्प फॉर्मेशन। ठीक है, क्लम्प फॉर्मेशन पाया जाता है आल्गी में, क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है फंगाई में, और स्पेसिफिकली किस में, बेसिडियोमाइसिटिस के ग्रुप में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट विद अनलिमिटेड ग्रोथ, ये वाला पॉइंट हमें थोड़ा सा मार्क करना है, अनलिमिटेड ग्रोथ। यानी कि जो स्पोरोफाइट होगा पार्शियली डिपेंड होगा फूड के लिए, फूड के लिए, और अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर रहा होगा, कहाँ पे पाया जाएगा, आर्थ्रोसिरस में, स्फैग्नम में, पोरेला में, मार्कांसिया में। इसका जो आंसर है वो है आंथोसिरस, जिसको हॉर्नवर्ट्स भी कहा जाता है, आपने जानते होंगे आंथोसिरस का दूसरा नाम है हॉर्नवर्ट्स कहा जाता है। क्यों जानते हैं, ये मान लीजिए उसका थैलस है, और इस तरह से ये पूरा हॉर्न की शेप में, हॉर्न की शेप में इस तरह से उगे हुए रहते हैं उनके स्पोरोफाइट, और इनमें अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है, इस तरह से बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और साथ में ये पार्शियली इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर पाते हैं, जिस वजह से ये पार्शियली इंडिपेंडेंट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटरोस्पोरी इज फाउंड इन, हेटरोस्पोरी कहाँ पे मिलता है, सिलेजन ड्राइपटरिस इक्विसिस्टम लाइकोपोडियम। देखिए हेटरोस्पोरी यानी दो तरह के स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाएगा, सिलाजिनेला में। और भी सारे हैं, जैसे कि मार्सिलिया हो गया, हमारा आइसोइटिस हो गया, ये भी कुछ ग्रुप हैं जहाँ पे हेट्रोस्पोरी पाया जाता है, मैं लिख दे रहा हूँ। एक हो गया आइसोइटिस, आइसोइटिस का एक टेरिडोफाइट हो गया, मार्सिलिया हो गया, मार्सिलिया, ये सारे टेरिडोफाइट में आप लोगों को हेट्रोस्पोरी कंडीशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जितने बचे हमारे साइलोटोम, लाइकोपोडियम, ये सब ड्राइवटेरिस, इक्विसिटम, ये सब में आप लोगों को होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पोस्पोर्स ऑफ पॉलीसाइपना आर, कार्पोस्पोर ऑफ पॉलीसाइपना, पॉलीसाइपना का कार्पोस्पोर का प्लोइडी नेचर पूछा है, डिप्लोइड होता है, पॉलीप्लोइड, ट्रिप्लोइड और हैप्लोइड। सो कार्पोस्पोर पॉलीसाइपना का होता है हमारा डिप्लोइड, जो कि बाद में कार्पोस्पोरोफाइट बनाते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट बनाते हैं, स्पोरोफाइट बनाते हैं, ये भी होगा हमारा डिप्लोइड। ठीक है, नहीं ये कार्पोस्पोरोफाइट से हमारा कार्पोस्पोर बनता है, ये होगा हमारा हैप्लोइड मतलब डिप्लोइड, ये भी होगा हमारा डिप्लोइड, मतलब दोनों के दोनों हमारे डिप्लोइड कंडीशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, पॉलीसाइपेनिया में एक पूछा जाता है कि इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा होता है, ये होता है ट्राईफेजिक, इसको भी याद रखिएगा, ट्राईफेजिक डिप्लोबायोन्टिक। ठीक है, डिप्लोबायोन्टिक, अगर बाट्राकोस्पर्म का पूछा जाएगा वो होगा ट्राइफोजिक, ट्राइफेजिक हैप्लोबायोन्टिक, लेकिन पॉलीसाइपने का ट्राइफेजिक डिप्लोबायोन्टिक, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच वन ऑफ द प्रोकैरियोटिक एल्गी क्लोरोफिल बी इज फाउंड, प्रोकैरियोट्स में तो पहली बात सियानोबैक्टीरिया जो होते हैं या फिर सियानोफाइसी होते हैं, उनमें आप लोगों को क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए एलिजिबल है, लेकिन उनमें क्लोरोफिल बी पाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन से एग्जांपल में क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोट है, अनासिस्टिस, नोस्टॉक, प्रोक्लोरोन, ग्लियोकैप्सा। देखिए इनमें से जो चारों के चारों हमारे प्रोकैरियोटिक एल्गी है, यानी कि सियानोफाइसी के अंडर में आए हैं।
लेकिन एक एक्स्ट्रा एक स्पेशल ग्रुप है जो कि खुद का एक ग्रुप बना लिया है, वो है हमारा प्रो क्लोरोन। ये एक रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है जो कि एक दूसरा क्लास बना दिया है, प्रो क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा ये देख दूसरा ग्रुप बना दिया है जिसमें आपको क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। सिर्फ यही एक लौता है प्रो क्लोरोन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजिशन ऑफ फ्लाजेला इन द मेंबर्स ऑफ ब्राउन आल्गी इज, हमने कहा था ना रोडोफाइसिस और सियानोफाइसिस में फ्लाजेला देखने को ही नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे ब्राउन आल्जी यानी कि फियोफाइसी के मेंबर में फ्लाजेला का पोजीशन किस तरह का होता है ये पूछा है। याद रखिए पोजीशन किस तरह होता है, एपिकल यानी कि इस तरह होता है, या फिर बसल बसल में होता है, या फिर लेटरल यानी कि साइड में होता है, या फिर सब एपिकल यानी इसके नीचे यानी कि जैसे कि क्लाइमेडोमोनस वगैरह में होता है। तो ये जो फ्लाजेला का पोजिशन हमें दिखाता है बहुत ही यूनिक सा फीचर है, वो है लेटरल। इस तरह से याद रखिएगा, ये है लेटरल आंसर। इस तरह से फ्लाजेला हर एक मेंबर में आप लोगों को ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी में लिटरली फ्लाजेला इंसर्टेड देखने को मिलते हैं, और एक होता है टिनसेल, दूसरा होता है हुईप्लास, एक होता है हंटर लाइक, दूसरा होता है ब्रिसल लाइक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लिस्टोथेसियम डेवलप्स आफ्टर सेक्सुअल प्रोसेस, आफ्टर असेक्सुअल प्रोसेस, आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ डेवलप स्पॉन्टेनियसली। तो क्लिस्टोसेसियम जो होता है वो होता है हमारा आफ्टर सेक्सुअल प्रोसेस के बाद ही क्लिस्टोसेसियम डेवलप होता है। और क्लिस्टोसेसियम क्या होता है, एक ग्लोबस्ट क्लोज्ड बॉडी होता है, क्लोज्ड बॉडी जिसमें स्पोर्स वगैरह डेवलप होते हैं, स्पोर्स वगैरह डेवलप होते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा आस्कोमाइसिटिस का, आस्कोमाइसिटिस में पाया जाता है माइसिटिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज मेडन हेयर फॉन, मेडन हेयर फॉन किसे कहा जाता है, एडियंटम, जिनेटम, लाइकोपोडियम, जिंको। तो फर्न का पूछा है ना मेडन हेयर फॉन, तो ये होगा आंसर हमारा एडियंटम। अगर हमें पूछता मेडन हेयर ट्री का पूछता, ठीक है ट्री का पूछता, तो हम आंसर करते जिंको बाइलोबा को, जिंको बाइलोबा को याद रखिएगा बाइलोबा। तो एक हुआ हमारा मेडन हेयर फन, दूसरा हुआ हमारा मेडन हेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ दी, तो आप लोगों को ये आंसर क्लियर हुआ, मेडन हेयर फन कहा जाता है एडियंटम को, मेडन हेयर ट्री कहा जाता है जिंको को। व्हिच वन ऑफ दी फॉलोइंग शोज ट्राइकोथैलिक ग्रोथ, ट्राइकोथैलिक ग्रोथ कहाँ पे पाया जाता है, एक्टोकार्पस, भाकेरिया, पॉलीसाइफोनिया, स्पाइरोगैरा। सो इसका राइट आंसर है एक्टोकार्पस। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ यानी ग्रोथ लिमिटेड टू बेसल रीजन, बेसल रीजन को ही लिमिट हो जाते हैं। और आप लोगों को मालूम है ना इंटरकैलरी ग्रोथ होता है, एपिकल ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे जो ट्राइकोथैलिक ग्रोथ में एक्टोकार्पस में क्या होता है, बेसल रीजन को ही ग्रोथ लिमिट हो जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, उसको कहते हैं ट्राइकोथैलिक ग्रोथ, और ये पाया जाता है एक्टोकार्पस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है तो वैलिकुलर एंड कार्डिनल कैनल्स आर फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है वैलिकुलर और कैरिनल, ये भी जैसा है जिया मेज, मेज में तो नहीं पाया जाता, मार्सिलियम में नहीं पाया जाता, पाइनस में नहीं पाया जाता, ये इक्विसिस्टम में पाया जाता है। अगर आप इक्विसिस्टम के जो टीएस वगैरह देखे होंगे इस तरह में, यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन पे जो भी कैनल वगैरह देखने को मिलते हैं उसको कहते हैं वैलिकुलर कैनल। और इसके सेंटर स्टील के पास जो हमें छोटे 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 कैनल देखने को मिलते हैं उसको कैरिनल कैनल कहा जाता है, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, इक्विसिस्टम का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक फंगस, एक्वाटिक यानी पानी में उगने वाला और पानी में ग्रो करने वाला फंगस कौन है, राइजोपस, दूसरा है साप्रोलेग्निया, तीसरा है शायद मोर्सेला, मोर्चेला, और फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। तो हमें मालूम है साप्रोलेग्निया होगा हमारा एक्वाटिक फंगस जो कि कम्प्लीटली पानी के अंदर उग सकता है। कैसे, जब भी कोई भी फिश, डेड फिश या इंसेक्ट वगैरह डेड हो जाते हैं वो हमारे पानी में क्या करता है, उनके चारों तरफ, मान लीजिए कोई एक फंगस मतलब कोई एक इंसेक्ट है उसके चारों तरफ इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं, ये साप्रोलेग्निया के स्पीसीज है। और साल्मोन डिजीज में भी, फिश में साल्मोन डिजीज भी साप्रोलेग्निया के स्पीसीज ही करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है द हाइएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज फाउंड इन, कहाँ पे हाइएस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा, यस प्लांट एनिमल से सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप में हाइएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है, लेमना, हैप्लोपैपस, ओफियोग्लोसम, एजिराटम। सो ये पाया जाता है हमारा ओफियोग्लोसम में, और ये कितने होते हैं नंबर में बता दो, ये होते हैं 1440, टोटल होते हैं 1440 क्रोमोसोम। अगर पेयर में पूछेंगे 720 पेयर होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा हैं, याद रखिएगा सबसे मैक्सिमम हाइस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है। अगर स्पेसिस का पूछा गया ओफियोग्लोसम रेटिकुलाटम, ये उसका
पूरा स्पीसीज का नाम है रेटिकुलाटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्ब्रियोलॉजिकली हुई जीनस हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम रानुनकुलस, इनमें से कौन सा जीनस रानुनकुलासी फैमिली से अलग किया गया है एम्ब्रियोलॉजिकली बेसिस से, बेसिस पे? एनेमोन, हमारे एनेमोन, कॉप्टिस, पिनिया, एक्विलेजिया हमारा होगा ये, इसका आंसर होगा पिनिया होगा। यस पिनिया, क्योंकि पिनिया का एक सेपरेट फैमिली है जिसको कहते हैं पिनियासी, पिनियासी। और आपने एक एम्ब्रियोसैक भी पढ़ा होगा पिनिया टाइप, पिनिया टाइप एम्ब्रियोसैक, तो ये पिनियासी फैमिली के ग्रुप में आता है और इसको सेपरेट किया गया है रानुनकुलासी फैमिली से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म ओनली फॉसिल्स आर प्रेजेंट, कौन से जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ फॉसिल प्रेजेंट है? जिंकोएल्स, कोनिफरल्स, साइकाडोफिलिकल्स, नेटल्स। तो मैं बता दूं जिंकोल्स में सिर्फ एक ही मेंबर जिंदा है जिसका नाम है जिंको बाइलोवा, जिंको बाइलोवा, तो ये तो नहीं हो सकते। नेटल्स नेटम में है, नेटल्स में नेटम है, फेडरा है, हमारा वेलिस्टिया है, कोनिफर्स में तो हमारा पाइनस आ गया, तो ये तीनों, तो तीनों अभी भी हमारे लिविंग है, यानी कि इनका, इनके ग्रुप में हमारे स्पीसीज कुछ भी अभी तक लिविंग है। बचा हमारा साइकाडोफिलिकस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉसिल पाए जाते हैं, फॉसिल हमारे पास स्टडी के लिए है, यानी कि इसका कोई भी लिविंग मेंबर अभी तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका फॉसिल मिलते हैं स्टडी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकस इज डायोसियस एंड सीड बियरिंग, मोनोसियस एंड सीड बियर, सीडलेस, मोनोसियस एंड सीड बियरिंग, डायोसियस एंड सीडलेस। डायोसियस यानी कि एक होगा मेल प्लांट, ये होगा मान लीजिए ये हो गया हमारा मेल प्लांट, और दूसरा होगा इसी का ही एक फीमेल प्लांट, उसको डायोसियस कहते हैं, डाई, ठीक है। और मोनोसियस यानी एक ही प्लांट में मेल और एक ही प्लांट में फीमेल होंगे, उसको हम मोनोसियस कंडीशन कहते हैं। तो साइकस किस तरह का होता है? साइकस होता है डायोसियस एंड सीड बियरिंग, यानी कि इसका मेल प्लांट अलग होता है, मेल साइकस प्लांट और फीमेल साइकस प्लांट, याद रखिएगा फीमेल साइकस प्लांट। और यहाँ पे एक यूनिक चीज़ भी बता दूँ, साइकस में नो फीमेल कोन, साइकस में फीमेल कोन पाया ही नहीं जाता, नो फीमेल कोन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और सीड बियरिंग जिम्नोस्पर्म, तो सीड बियरिंग होता है, हाँ हालांकि नेकेड सीडेड होते हैं लेकिन सीड बियरिंग होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हुआ राइट। बाकी देखिए फोर्थ वाला डायोसिस एंड सीडलेस लिखा है, ये तो नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रूट्स इन व्हिच पेरिकार्प एंड सीड कोट आर फ्यूज, अच्छा, आर फाउंड इन फैमिली, कौन से फैमिली में पेरिकार्प और सीड, सीड कोट फ्यूज हुए हैं? हाँ तो लिलियासी, साइपरसी, पोआसी और आर्कसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोआसी। आपने पोआसी में पढ़ा होगा फ्रूट है कैरियोप्सिस, पोआसी का जो फ्रूट है कैरियोप्सिस। और पर्टिकुलर अगर मेज का ग्रेन देखेंगे ना, इस तरह का मेज ग्रेन देखोगे तो इसके जो चारों तरफ एक एक सिंगल लेयर रहेगा जिसको, जिसमें आप लोग देखोगे पेरिकार्प और सीड कोट पूरा फ्यूज हो चुके हैं, फ्यूज होके एक लेयर बन चुके हैं, ठीक है। वो कैरियोप्सिस फ्रूट में पाया जाएगा और ये किस मेंबर में होते हैं? पोआसी के फैमिली में होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल फीचर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ, पोलन ग्रेन ऑफ, पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस, अच्छा डबल रिपीट हो गया, हाँ पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस इज दे आर येलो कलर एंड हैव टू एयर ब्लैडर्स, दे आर व्हाइट एंड आर विदाउट एयर ब्लैडर्स, दे आर येलो कलर एंड आर विदाउट एयर ब्लैडर्स, दे आर व्हाइट एंड हैव टू एयर ब्लैडर्स। तो पोलन ग्रेन किस तरह का होता है? पाइनस में इस तरह का पोलन ग्रेन पाया जाता है, विंग्ड पोलन ग्रेन इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? विंग्ड पीजी पोलन ग्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पोलन ग्रेन हुए ना, ये उसके दो विंग जैसे स्ट्रक्चर हुए और ये रहा है उसका एयर ब्लैडर, ठीक है। एयर ब्लैडर होता है, इसका मतलब एयर ब्लैडर तो होता है। अब पूछा किस तरह होता है, येलो कलर होता है या फिर व्हाइट कलर? येलो कलर है, व्हाइट कलर। देखिए पाइनस एक चीज़ करता है, आप सबने पढ़ा होगा सल्फर सावर, सल्फर सावर करता है, यानी कि ये जब रिलीज होते हैं ना पाइनस के प्लांट से, पोलन ग्रेन इतने मात्रा से रिलीज होते हैं कि ये अपने प्लांट के आसपास क्या करता है, येलो क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, येलो क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, येलो क्लाउड, इसके लिए इसको कहा गया सल्फर सावर, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली हो गया कि पोलन ग्रेन इसके येलो कलर होंगे, उसके साथ साथ दो एयर ब्लैडर होंगे, तो हमारा ऑप्शन कहाँ पर आया? दे आर येलो कलर एंड हैव टू एयर ब्लैडर्स, ये होगा हमारा राइट आंसर। इसमें और एक सवाल पूछता है कि जो पोलन ग्रेन में विंग है वो कहाँ से डेवलप करते हैं? सो विंग्ड इन पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस डेवलप फ्रॉम एग्जाइन एक्सटेंशन, ये याद रखिएगा, एग्जाइन एक्सटेंशन, एग्जाइन एक्सटेंशन से डेवलप हुए रहते हैं, कहाँ पे?
पोलन ग्रेन का बोल रहा हूँ, अगर सीड का बोला गया ना, सीड भी पाइनियस में क्या होते हैं, विंग्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो विंग होते हैं वो डेवलप होते हैं ओव्यूलिफेरस स्केल से, ये भी याद रखिएगा, जो कि मेगास्पोरोफिल का पार्ट है, ओव्यूलिफेरस स्केल से, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, आपको याद रखना होगा। पोलन ग्रेन में जो विंग है वो एग्जाइन एक्सटेंशन से डेवलप हुआ है, और पाइनस के सीड में जो विंग है वो है हमारा ओव्यूलिफेरस स्केल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, अच्छा कौन सा पेयर करेक्टली मैच किया, आस्टर वर्सिटिलिस्टर, यूफोर्बिया सियाथियम, साल्विया स्पाइकलेट, माल्वा कैप्सुलम। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा यूफोर्बिया सियाथियम। यस ये करेक्टली मैच है, यूफोर्बिया सी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस है, जहाँ पे आपको एक कप देखने को मिल जाएगा, कप में एक ही हमारा क्या रहेगा, एक ही हमारा फीमेल पिस्टिल रहेगा, जो कि फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा, फ्लावर, ठीक है, और बहुत सारे स्टामेन वगैरह रहेंगे, बहुत सारे स्टामेन। ये सियाथियम का मैं स्पेशल, ये जो एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है ना, ये मैं बता रहा हूँ सियाथियम का, और हर एक स्टामेन मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखिए मेल फ्लावर का। सो सियाथियम में एक एक स्टामेन, मतलब बहुत सारे स्टामेन, बहुत सारे फ्लावर मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक सिर्फ एक, ठीक है, सिर्फ एक हमारा पिस्टिल फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरह का कप से, इस तरह का स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसन को हम सियाथियम कहते हैं, और जो कि यूफोर्बिया से फैमिली में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर्ड ड्यूरिंग सेलुरियन डेवोनियन कार्बोनिफेरस क्रिटेशियस, ये जैसा है, ये हमारा डिवोनियन पीरियड में फर्स्ट सीड प्लांट आए थे, उसके बाद वो कार्बोनिफेरस में और ज़्यादा इवॉल्व होते होते चले गए, लेकिन पहले आए थे डिवोनियन पीरियड में, फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर किए थे। उसके बाद पूछा है मोनोइसियस प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन, मोनोइसियस प्लांट मैंने अभी बताया ना, एक प्लांट होगा जिसमें मेल फ्लावर भी होंगे और फीमेल फ्लावर भी होंगे, मतलब दोनों के दोनों कंडीशन, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा यहाँ पे बोल दिया है कि मोनोइसियस प्लांट, मतलब प्लांट तो एक होगा जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों होंगे, लेकिन फ्लावर अलग अलग होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, एक मेल फ्लावर होगा, मेल फ्लावर, और दूसरा होगा फीमेल फ्लावर। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, क्यूक्यूरबिटा मैक्सिमा, आर्जिमोनियम मैक्सिकाना, आजियर एटम कोनिजर, आइवरी सामर एंड सीडाकोडा, जैंथियम स्ट्रोमारियम एंड आर्जिमोनियम मैक्सिकाना। सो देखिए क्यूक्यूरबिटा फैमिली मैंने जब देख लिया वहीं से मुझे मालूम चल गया कि इसका आंसर ये होगा, क्यूक्यूरबिटा मैक्सिमा एंड आर्जिमोनियम मैक्सिकाना होगा हमारा राइट आंसर, जहाँ पे हमें क्यूक्यूरबिटा सी फैमिली में, जो क्यूक्यूरबिटा पर्टिकुलरली है, वहाँ पे मोनोसियस कंडीशन साथ में यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंडीशन देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है डिप्लोजाइलिक वास्कुलर बंडल आर फाउंड इन, डिप्लोजाइलिक वेरी इजी क्वेश्चन है, अरुकेरिया एफिड्रा साइकस स्पाइनस, ये पाया जाता है साइकस में। डिप्लोजाइलिक कंडीशन अगर आपने देखे होंगे, इस तरह के एक जाइलम होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल जाइलम, सेंट्रीपिटल जाइलम जाइलम, और एक यहाँ पे जाइलम होते हैं जिनको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, इसलिए इसको डिप्लोजाइलिक डाई डाई दो तरह के जाइलम देखने को मिलता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, तो ये पाया जाता है हमारा साइकस में, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड विल बी नॉन पोरस, अच्छा इनमें से कौन सा वुड नॉन पोरस है, पाइन वुड, सीसम वुड, साल वुड, टीक वुड। देखिए ये भी बहुत ईजी सा है, साल वुड, लेकिन केयरफुली करना पड़ेगा, साल वुड, सीसम वुड और टीक वुड, ये हमारे एंजियोस्पर्म हो गए, ठीक है, एंजियोस्पर्म। पाइन वुड यानी पाइनस, यानी कि जिम्नोस्पर्म हो गया, और हमें मालूम है जिम्नोस्पर्म में जो वुड पाया जाता है उनको कहा जाता है हमारा नॉन पोरस वुड। मैं बता रहा हूँ क्यों, लेकिन मैं अभी के लिए बता रहा हूँ नॉन पोरस वुड, तो हमारा राइट आंसर हो गया ये। अब जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में वुड क्यों पोरस होते हैं, जिम्नोस्पर्म का क्यों कहा जाता है नॉन पोरस, और एंजियोस्पर्म का क्यों कहा जाता है पोरस। देखिए सिंपल सा आंसर है, हमें मालूम है एंजियोस्पर्म में क्या मिलते हैं, वेसल पाए जाते हैं, और वेसल बहुत ही वाइडर होते हैं आप सब जानते होंगे, और हमारे जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाता है, ट्राकिड पाया जाता है, और ट्राकिड बहुत ही नैरो होते हैं क्योंकि इनके जो वाल होते हैं बहुत ही थिक होते हैं, इस तरह से मान लीजिए इनके वाल है, इनके वाल इतने मोटे हैं कि इनके जो बीच का जो सेंटर का जो कैनल है वो बहुत ही पतला हो जाता है, लेकिन वाइडर कौन है, हमारा वेसल वाइडर होता है, इनके वाल वगैरह बहुत पतले होते हैं लेकिन इनका जो कंडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये वाइडर होते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रेंथ के ऊपर अगर बात किया जाए, वुड का स्ट्रेंथ के ऊपर इसका कोई भी पोरोसिटी के ऊपर कोई भी मतलब ही नहीं है। हमारा अगर एंजियोस्पर्म पोरोस वुड हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि इसका लकड़ी कमज़ोर होगा, नहीं,
इसका सिर्फ मतलब ये है कि इसका जो वेसल होते हैं वो वाइडर होते हैं, इस वजह से इनका उड़ को पोरस उड़ कहा जाता है। और नॉन पोरस इसको जिम्नोस्पर्म को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें ट्राकिड पाए जाते हैं जिनमें वाल बहुत ही मोटे होते हैं और इनके लूमेन बहुत ही क्या होते हैं, लूमेन जो होते हैं बहुत ही पतले होते हैं इस वजह से, ठीक है। लेकिन इनका जो स्ट्रेंथ है लकड़ी का स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर हो गया फाइनल। ये एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसको और डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यस हाँ, इसको यहीं पर कंप्लीट कर देंगे। इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर फैमिली स्पैटिक्स इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड। स्पैटिक्स कहाँ पे पाए जाते हैं, अष्टरासी, रुबेसी, पापावला से, ब्रासिका से, मालवा से, टिलियासी, अरेकासी, आरासी, म्यूजासी, यह पाया जाता है म्यूजासी। आपने देखा होगा म्यूजासी में एक स्पैथी वगैरह डेवलप होता है, स्पैथी जो कि ब्राक्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सो मिलते हैं और एक वीडियो में, इसी को हम कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अगर पसंद किया आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।